गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मार्च 20 है, पखाड़ो दिवस ओडिशा में सेलिब्रेट होता है। तो आज रेसिपीज काफ़ी कुछ बनेगा। तो मैं सुबह आज हम दोनों गोलू और मैं थोड़ा सा मंदिर गए थे पूजा करके। यहाँ पे पास में मंदिर है शिव जी का, तो वहाँ पे हम लोग पूजा करके आए। और अभी काफ़ी टाइम हो गया है तो लेट हुआ हो रहा है, तो मैं पहले जल्दी से आपको आज क्या क्या मैं बनाने वाली हूँ वो सब बना के दिखा देती हूँ, फिर हम लोग बाद में मिलते हैं। तो पखाड़ों के साथ खाने के लिए मैं यहाँ पे बैंगन पोड़ा बनाऊंगी। बैंगन, बैंगन और टमाटो को ऐसे आग में जलाना है पहले, और उसके बाद उसका चटनी बनाना है। यहाँ पे मैंने साग लिया है, साग भी बना रही हूँ मैं एक और डिश। तो साग को मैंने बस यहाँ पे थोड़ा सा बॉईल करना है, जब इससे बहुत सारा पानी निकाले उस पानी को निकाल देना है, फिर लहसुन और मिर्ची का तड़का लगा देना है। और उसके बाद एक और डिश बना रही हूँ, ये है भाकुरो माछो था भाकुर माछ। तो उसको पत्ते के अंदर रख के पहले मैं इसे थोड़ा सा पानी नहीं डाला था, स्टीम किया था, और उसके बाद आग के ऊपर इसे बिठा दिया है। और यहाँ पे बैंगन जो था, बैंगन टमाटो वो हो गया था, उसको मैंने निकाल लिया था। थोड़ा सा लहसुन और सरसों का कच्चा तेल, सरसों का तेल थोड़ा सा डाला है, एक टेबल स्पून। कच्ची मिर्ची, धनिया और प्याज काट के इसको बस ऐसे ही हाथ से मिला लेना है, तो ये बन जाएगा। पखाड़ों के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। साग, सागो भजा, बैगनो पोड़ा, चूना माछो भजा और रोही माछो पत्रो पोड़ा। तो जो पत्ते के अंदर रैप करके हम लोग जलाते हैं, वो गांव में वो सब मतलब चूल्हे का जो आग होता है उसमें डाल देते थे, अंदर में अपने आप हो जाता था। तो यहाँ पे तो गैस के ऊपर बनाना है, इसके लिए मैं गैस के ऊपर ही बनाती हूँ। तो ये चटनी बस ऐसे बैंगन का ये बस ऐसे बना दिया, ये रेडी हो गया। और छोटा छोटा फिश लाए थे, चूना माछो भोजा, उसको नमक और हल्दी मिला के बस उसको तवा में ऐसे फ्राई कर लिया, बस ये भी एक डिश रेडी हो गया। और भाकुड़ो माछो जो लेके आए थे उसको मैंने मस्टर्ड, जिंजर गार्लिक, एक एक मिर्ची और मस्टर्ड पेस्ट ये सब मिला के पेस्ट किया था, और नमक हल्दी डाल के फिश भाकुड़ो माछो लाए थे। भाकुड़ो माछो था ना, हाँ भाकुड़ो था शायद। तो उस पर मैरिनेट करके पहले 5 मिनट रख दिया, उसके बाद पत्ते के अंदर ऐसे रैप करके बिल्कुल उसको धागे से बांध के तवा के ऊपर मैंने रख के पकाया। पानी वानी कुछ नहीं दिया, बस तवा के ऊपर रख के ढक के पकाया, उसके बाद आग के ऊपर जैसे आपने देखा वैसे मैंने सेक दिया था। तो ये ऐसे बन गया है बिल्कुल ड्राई, और बिल्कुल पानी कुछ नहीं देखे इसके अंदर। अंदर मैंने एक एक मिर्ची डाला हुआ है दोनों फिश के अंदर। गोलू के लिए नहीं बनाया है क्योंकि गोलू नहीं खाएगी, उसको फिश फ्राई ही पसंद है, ऐसे वो इतना पसंद नहीं करती है। खाएगी तो मिर्च थोड़ा खाएगी, नहीं तो नहीं खाएगी वो ये सब। और ये है दही पखाड़ो बनाया था, भात राइस में पानी डाल दिया था, हो गया पखाड़ो, उसमें दही डाल दिया है। ये बैगनो चटनी है, और ये सागो भजा, और ये चूना माछो भजा है, और वो पत्र पोड़ा माछो पत्र पोड़ा है। तो आज पखाड़ दिवस के लिए यही है और कुछ नहीं बना। तो अभी तो सब लोग खाना खा के सो चुके हैं, और मैं अपना प्लांट्स दिखाती हूँ। ये सब देखिए, पानी ऊपर रख दिया था, पानी देके पानी दिया था, मेरे घर के साइड में जो रहते हैं उनको बोल के गई थी पानी देने के लिए, तो वो लोग दे रहे थे पानी काफ़ी प्लांट से। तो सब ऊपर रख दिया था छत के ऊपर, उन्होंने पानी दे दिया। तो ठीक है, अभी आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ फिर अपने एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।